मैंने अपने नींबू के पौधे के लिए आज धूप में ही मिट्टी डाल दी है तो ये सूख जाएगी। ये मैंने किचन वेस्ट से जो खाद बनाई थी वही तैयार की है और इसके अलावा मिट्टी भी है इसमें। और ये देखिए किचन वेस्ट का ये सड़ा हुआ पार्ट है तो इसी को मिलाकर मैं अपने सारे पौधे शिफ्ट करती हूँ। मैं मोस्टली जो खाद मिलती है उसका यूज़ नहीं करती हूँ, इसमें मैं सिर्फ एक मुट्ठी नीम खली मिलाऊँगी और उसके बाद ही इसमें शिफ्ट कर दूँगी। और मुझे ये फ्रेंड्स एक मटकी मिली है आज, तो काफ़ी पुरानी होगी, रखी थी, इसमें कोई पौधा भी लगा था तो, लेकिन इस समय इसमें घास उग गई थी। मैं सोच रही हूँ इसको खाली करके कोलियस ही लगा दूँ क्योंकि कोलियस मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो ये भी यूज़ हो जाएगी। ऐसे ही खाली पड़ी थी, इसमें घास बहुत ज़्यादा उगी हुई थी, लेकिन इसको फिर से दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक भी जो है ना गमला खाली नहीं रखती हूँ, मेरे पास इसीलिए गमले बचते नहीं हैं, कुछ ना कुछ पौधे खरीदती रहती हूँ या फिर एक ही पौधे से हज़ारों पौधे मुझे बनाना और लो ये मटकी थोड़ी टूट गई है, ये काफ़ी पुरानी है, सड़ी सी है, लेकिन ये इसमें कोई बात नहीं, ऐसे ही लग जाएगा। ये जो टूटी हुई है इसी को इसके अंदर गिट्टी डाल देंगे और ये मेरी जो किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद है इसको ही मैं इसमें भर कर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे पौधे चलते हैं, कभी आप तैयार करके देखिएगा बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है, आपको खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी सीज़न है कोलियस का, अभी आपको सर्दियों में ना अक्टूबर नवंबर के साइड में कोलियस नर्सरी में भी बहुत सारे मिलने लगेंगे, तो पहले ही मैंने मटकी में ये लगा रखे हैं। तो इसी की मैं ऊपर से टॉप प्रूनिंग भी कर दूंगी, इससे ये घना भी होगा और इसकी मैं कटिंग भी लगा दूंगी तो और मेरे पास पौधे भी तैयार हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, बस इस तरह से आपको लगा देना, ये घना हो जाएगा तो मटकी को अपने आप कवर कर लेगा और इधर भी जब प्रूनिंग करेंगे तो वो भी घना हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप पौधे की पिंचिंग करते हैं उतना ही घना बनता है। और ये देखिए कोई इंसेक्ट इसमें लग रहा है जिसके कारण इस पत्ती को खा गया, और देखते हैं अगर ज़्यादा इंसेक्ट लगेगा तो इसमें फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा।